Overnight beauty tips and tricks for healthy hairs and glowing skin to shine like a star next day. Hello everyone, जय माँ वैष्णो, this side कशिश, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे. बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो. अंडर आई एरिया को अच्छे से हाइड्रेशन ना मिलने के कारण हमें इस उम्र में रिंकल जैसी प्रॉब्लम हो जाती है. शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ अपना फेवरेट DIY नुस्खा. इसके लिए आपको चाहिए वैसेलीन, जो आप सबके घर में अवेलेबल होगी. बाहर केमिस्ट से आपको विटामिन ई की कैप्सूल्स मिल जाएंगी. इन दोनों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लीजिए. इसके बाद अपने अंडर आई एरिया पर लगा लीजिए. 10 मिनट रखने के बाद इसको अच्छे से धो लीजिए. आप ओवरनाइट भी इसे रख सकते हैं. उठते ही शीशे के पास जाकर अपना मुँह देखें और वो ग्लोइंग ना दिखे तो पूरा दिन खराब हो जाता है. शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ एक ओवरनाइट ग्लोइंग मास्क. मेरे लिए इस मास्क ने बहुत अच्छा वर्क करा है. आई होप आप लोगों के लिए भी करे. इसके लिए आपको चाहिए वैसेलीन और हनी. इसे अच्छे से अपने मुंह पर लगाने के बाद थोड़ी देर मसाज कर लीजिए. यह आपकी स्किन को बहुत हाइड्रेशन भी देगा, साथ ही साथ ग्लोइंग भी बनाएगा. अब जो ये वाला स्टेप है ये बहुत ही बेसिक है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. भले ही आप पूरे दिन भर फेस वॉश ना करें, लेकिन रात को सोने से पहले फेस वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इससे क्या होगा, दिन भर में आपके मुंह पर जितना भी बैठा हुआ डर्ट है वो सारा रिमूव हो जाएगा और आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम भी नहीं होगी. और आप जो भी स्टेप करेंगे स्किन केयर से रिलेटेड, वो बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करेंगे और आपको रिजल्ट्स भी देंगे. अगर आप लोगों को भी थिकर आईब्रोज और थिकर आईलैशेज अच्छी लगती है और नकली लगा लगा के आप परेशान हो चुके हैं, तो ये वाला फंडा आपके लिए बहुत काम आने वाला है. इसके लिए आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले कैस्टर ऑयल लेना है और उसे अपने आईब्रोज और आईलैशेस पे लगा लेना है. इससे ये थिक भी बनेंगे और इनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी. ये वाला स्टेप भी बहुत ही बेसिक है. हम इसे दिन में कर लेते हैं लेकिन रात को करना भूल जाते हैं. हमारी स्किन रात को बहुत ही ज़्यादा रिपेयर मोड में होती है, तो उसे अच्छे से हाइड्रेशन प्रोवाइड करना हमारी जिम्मेदारी है. तो अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप वैसेलीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. आप लोगों को पता है घी का इस्तेमाल रोटी के अलावा और कहीं भी होता है, और वो है हमारे लिप्स. अगर आपको सॉफ्ट और पिंक लिप्स चाहिए तो आपके घर में घी अवेलेबल होगा. रात को सोने से पहले उस घी को अपने लिप्स पर लगा लीजिए. इससे आपके होंठ फटेंगे नहीं, वो बहुत ही सॉफ्ट भी रहेंगे, मॉइस्चराइज भी रहेंगे और अच्छे भी लगेंगे. और एक और चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, अगर मुझे कोई भी चीज़ करनी हो, जैसे फेस मास्क लगाना हो, एक्सफोलिएट करना हो, आईब्रोज बनानी हो, कुछ भी करना हो, तो मैं चूज़ करती हूँ रात का ही टाइम, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है रात को ये सब चीज़ करने से into 2 फ़ायदा देती है. मेरी स्किन में तो देती है, आप लोगों का मैं कह नहीं सकती. आप लोग भी एक बार ट्राई करिएगा और मेरे को बताइएगा कि आप लोगों को into 2 फ़ायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. तो मैं कोशिश करती हूँ कोई भी चीज़ अगर मुझे अप्लाई करनी है तो मैं रात को सोने से पहले अप्लाई करूँ. एक और ट्रिक जो आप अपना सकते हैं ग्लोइंग स्किन के लिए, आप कोई सा भी फेस ऑयल ले लीजिए. इसके बाद अच्छे से अपने फेस को मसाज देनी है. गुआशा करके एक टूल आता है, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास वो टूल नहीं है तो यहाँ पर मैं हैंड से ही कर रही हूँ. इससे भी बहुत अच्छा मसाज हो जाता है. यूट्यूब पर आपको इससे रिलेटेड कई वीडियोज़ मिल जाएंगी जिसमें वो स्टेप टू स्टेप आपको सिखा देंगे. इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज़ होता है और ग्लो है नेचुरली अंदर से आता है. तो रात को सोने से पहले एक बार इसको ज़रूर करिए. ऐसा करने से आपकी स्किन तो ग्लोइंग होएगी ही, साथ ही साथ आपके जो फीचर्स हैं वो भी इन्हेंस होंगे. ये आपके फीचर्स को एक पोजीशन देता है, साथ ही साथ आपके फीचर्स को शार्प भी करता है. तो मेरे लिए तो ये बहुत बेनिफिशियल रहा है, आई होप आप लोगों के लिए भी रहे. तो फेस मसाज ज़रूर करें. सुबह उठते ही बाल हमें अपनी पोजीशन में मिले और अच्छे नरिश मिले, इसके लिए आप क्या करा करिए, रात को सोने से पहले थोड़ा सा ऑयल लेके अपने एंड्स पर अच्छे से लगा लीजिए. इससे क्या होगा, आपके एंड्स को नरिशमेंट मिलेगा, उसमें स्प्लिट एंड होने का खतरा बच जाएगा और साथ ही साथ वो रूखे बेजान भी नहीं होंगे और रात को टूटेंगे भी कम. इसलिए रात को सोने से पहले एंड्स पर ऑयल ज़रूर करें. तो लोशन नहाने के बाद ही नहीं, रात को सोने से पहले भी लगाना होता है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी स्किन जो है वो रात को रिपेयर मोड में होती है, तो फेस के साथ साथ हमने फुल बॉडी को भी नरिशमेंट प्रोवाइड करना है. इसलिए रात को सोने से पहले अपने हाथ पैरों पर अच्छे से लोशन भी ज़रूर लगा लें.
और अगर हमें सुबह अपने नेल्स ऐसे दिखाने हैं जैसे हम अभी अभी मैनीक्योर करके लाए हैं, या हम अपने नेल्स की बहुत केयर करते हैं, इसके लिए आपको एक्चुअल में केयर करनी भी पड़ेगी। सबसे पहले मैंने अच्छे से अपनी नेल पेंट रिमूव कर ली है, इसके बाद मैंने वैसलीन और विटामिन ई को आपस में मिलाकर अपने क्यूटिकल पर अच्छे से मसाज दे दी है। इससे हमारे नेल्स भी बहुत स्ट्रांग होते हैं, साथ ही साथ इनमें शाइन भी ऐड होती है, ऐसा लगता है अभी अभी पार्लर से आए हैं। रात को हमारे बाल सबसे ज़्यादा टूटते हैं, इसलिए कोशिश करिए कि इनको अच्छे से केयर दे पाएं। एक तो गीले बाल बिल्कुल नहीं सोना है, दूसरा खुले बाल करके बिल्कुल नहीं सोना है। आप लूज़ ब्रेड बना सकते हैं, टाइट ब्रेड भी नहीं बनानी है, बन भी बनाकर आप सो सकते हैं। साथ ही साथ आप इसकी अच्छे से कॉम करके सोइए, सुलझा कर अच्छे से बालों को। आपको भी सॉफ्ट एड़ियाँ चाहिए तो रात को वैसलीन लगा लीजिए, उसके बाद सॉक्स पहनकर आराम से सो जाइए, आपकी हील्स अच्छे से हील हो जाएंगी। वन नाइट ब्यूटी टिप्स की बात हो रही है और ओरल हाइजीन भूल जाए ऐसा नहीं हो सकता है, रात को सोने से पहले ब्रश जरूर करना है। साथ ही साथ आप ये वाला भी फंडा अपना सकते हैं, मैं यूज़ करती हूँ ल्यूक वार्म वाटर, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल के गरारे करती हूँ, इससे आपके जो गम्स है वो स्ट्रांग भी बनेंगे, उसमें अगर सूजन वगैरह है तो वो भी कम होगी, साथ ही साथ आपके मसूड़े भी मजबूत बनेंगे। तो यार यही कुछ ब्यूटी टिप्स थे जो मैं फॉलो करती हूँ हर रात अपने आप को नेक्स्ट मॉर्निंग और अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल और कॉन्फिडेंट दिखाने के लिए। आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आप सबसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।